डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवंथ एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 9.1 के सम करेंगे फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ सम है स्टूडेंट्स, द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट टी आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस यू एंड ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। ये पॉइंट्स हैं, इस पे देखो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, टी यू टी यू, ए एंड बी ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन। ये एट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये एट के एट इस पे है। किस प्रकार से है, टी आर इक्वल टू आर एस, टी आर देखो कहाँ है, ये रहा टी आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस यू, यानी कि ये सभी पार्ट से इक्वल है। एंड ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये भी पार्ट से इक्वल है। नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई पी क्यू आर एंड एस। ये जो एट पॉइंट है इनमें से फोर पॉइंट की वैल्यू तो हमें दी गई है और फोर पॉइंट्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। कौन कौन से की, पी क्यू आर एंड एस। देखो ये पी पॉइंट है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, इनकी वैल्यू नहीं दी गई, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इधर से ए की और बी की वैल्यू दी गई है, इधर से यू और टी की वैल्यू दी गई है। अब इसमें हमने ध्यान क्या देना स्टूडेंट्स, टी आर देखो कौन सा है, ये रहा टी आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस यू इक्वल टू एस यू। कितने पार्ट्स हैं ये, वन टू थ्री, थ्री पार्ट्स हैं और ये तीनों ही पार्ट इक्वल है। अब इसमें हमारे पास क्या है, माइनस वन माइनस टू। अब अगर एक सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो माइनस वन के इधर माइनस टू ही आता है और फिर भी हमने इसके बीच में टू रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए स्टूडेंट्स। तो हमें इस माइनस टू को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस सिक्स बाई थ्री। जैसे थ्री से सिक्स को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, वापिस माइनस टू आ जाएगा। और माइनस वन को हम लिख सकते हैं माइनस थ्री बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा। अब देखो इसके बीच में टू पॉइंट्स आ गए, इधर हम चलेंगे तो क्या आएगा, माइनस फोर बाई थ्री और फिर क्या आएगा, माइनस फाइव बाई थ्री और फिर माइनस फाइव बाई थ्री के बाद क्या आएगा, माइनस सिक्स बाई थ्री। तो ये टू पॉइंट्स चाहिए थे हमने, टू पॉइंट इसके बीच में मिल गए अभी। अब ऐसे इधर देखो, ये ए है ये बी है, अब इसमें भी ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, यानी कि ये सभी पार्ट से इक्वल है। अब इसमें भी हमने टू के और थ्री के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी है, टू। वैसे तो टू के बाद थ्री आता है लेकिन फिर भी हम इनको रैशनल नंबर में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स सिक्स बाई थ्री और इसको हम क्या लिख सकते हैं, नाइन बाई थ्री। थ्री से सिक्स को कैंसिल किया तो क्या आएगा, वापिस टू आ जाएगा और थ्री से नाइन को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, थ्री आ जाएगा। यानी कि टू को हमें सिक्स बाई थ्री लिख सकते हैं और थ्री को नाइन बाई थ्री लिख सकते हैं। अब इससे आगे देखो पॉइंट से, सिक्स बाई थ्री के बाद क्या आएगा, सेवन बाई थ्री और सेवन बाई थ्री के बाद क्या आएगा, एट बाई थ्री और एट बाई थ्री के बाद क्या आएगा, नाइन बाई थ्री जो कि पहले लिखा हुआ है। तो अब देखो U और T के बीच में टू पॉइंट थे और टू हमने रैशनल नंबर इसमें फाइंड आउट कर दी। ऐसे ही A और B के बीच में कितने पॉइंट थे, टू, और हमने इसके बीच में टू रैशनल नंबर फाइंड आउट कर दी। तो अब हम क्या लिखेंगे, सो S इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री, R इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री, P इक्वल टू सेवन बाई थ्री और क्यू इक्वल टू एट बाई थ्री। इन फोर पॉइंट्स की वैल्यू हमने निकाल ली थी स्टूडेंट्स,
ये 4 पॉइंट्स की वैल्यू हमारी आ गई और अपना ये फिफ्थ सम कंप्लीट हो गया। अब सिक्स्थ सम करते हैं। सिक्स्थ सम स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट -7/21 एंड 3/9, ये पेयर है, पेयर मीन्स टू, टू रैशनल नंबर दी गई है। हमने ये बताना है क्या ये सेम है। स्टूडेंट्स इसमें हम देखते हैं कि ये तो है नेगेटिव रैशनल नंबर और ये है पॉजिटिव, तो ये सेम हो ही नहीं सकती। ये तो जीरो से भी कम है और ये जीरो से ज्यादा है, तो हम लिखेंगे दीज आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट में देखो -16/20 एंड 20/-25, अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब हम क्या करें, अब अगला स्टेप ये होगा कि इनको समालेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो दोनों रैशनल नंबर को। पहले इसको करो, ये 4 से कैंसिल होता है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और ये क्या आ गया -4/5 एंड इसको 5 से कैंसिल करो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये भी क्या बच गया 4/-5। नेगेटिव का साइन चाहे न्यूमरेटर के साथ लगा दो चाहे डिनोमिनेटर के साथ लगा दो, ये रैशनल नंबर नेगेटिव मानी जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये भी 4/5 है, ये भी 4/5 है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इट मीन्स ये सेम है। तो हम लिखेंगे दीज आर सेम, ये एक जैसी है। थर्ड पार्ट -2/-3 एंड 2/3, अब इसमें देखो न्यूमरेटर के साथ भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर के साथ भी नेगेटिव है, तो इससे क्या होगा नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2/3 हो गया, अब ये भी 2/3 हो गया, तो ये सेम है। तो हम लिखेंगे दीज आर सेम, ये सेम है। नेक्स्ट -3/5 एंड -12/20, अब दोनों ही नेगेटिव हैं। अब कैसे पता लगे, पहले इनको समालेश्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये तो समालेश्ट में पहले ही है, इसको हम करेंगे 4 से कैंसिल हो जाएगी, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ये क्या है -3/5, और जब इसको समालेश्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये भी -3/5 आ गई, तो ये सेम हो गई। आर सेम, ये सेम। नेक्स्ट 8/-5 एंड -24/15, अब इसको अगर समालेश्ट फॉर्म में करते हैं तो ये पहले समालेश्ट में सेम नंबर से ये कैंसिल नहीं होती, इसको करो 3 से कैंसिल हो जाएगी, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, अब ये तो है 8/-5 एंड ये हो गया -8/5, ये भी 8/5, ये भी 8/5, और दोनों ही नेगेटिव है, तो ये हो गई सेम, दीज आर सेम। 1/3 एंड -1/9, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये सेम हो ही नहीं सकती, तो हम लिखेंगे दीज आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है। अब इसमें देखो -5/-9 एंड 5/-9, अब इसमें तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये तो बनेगी पॉजिटिव रैशनल नंबर, और इसमें केवल इसके साथ नेगेटिव है तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। अब क्या हुआ, ये तो पॉजिटिव होगी ये नेगेटिव, तो ये सेम हो ही नहीं सकती, तो इसमें हम लिखेंगे दीज आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है।
और स्टूडेंट्स ये अपना सिक्स्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो गया।